गुड मॉर्निंग। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको हर परचेजर के बुक में कौन कौन से नेसेसरी अकाउंट्स बनते हैं इसके बारे में बताया था, और आज मैं आपको हर वेंडर के बुक में कौन कौन से नेसेसरी अकाउंट्स बनते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम लोग सवाल देखते हैं, सवाल क्या है। तो सवाल है, राज ट्रांसपोर्ट परचेज ए ट्रक फ्रॉम अशोका ऑटोमोबाइल। राज ट्रांसपोर्ट जो है अशोका ऑटोमोबाइल से ट्रक खरीदता है अप्रैल 1, 2017 को। कहने का मतलब है कि राज ट्रांसपोर्ट इसमें हायर परचेजर है जबकि अशोका ऑटोमोबाइल हायर वेंडर है। तो हमको यहाँ पे अशोका ऑटोमोबाइल के बुक में खाते बनाने नेसेसरी अकाउंट्स जो कि हायर वेंडर है। 1 अप्रैल 2017 को खरीदता है। कैश प्राइस ऑफ द ट्रक, उसका कैश प्राइस ट्रक का, वो जो ट्रक खरीद रहा है राज ट्रांसपोर्ट जिसे कि अशोका ऑटोमोबाइल बेच रहा है, उस ट्रक का कैश प्राइस जो है 3,20,000 रुपए है। और विच पेबल एज बिलो, जिसका कि भुगतान इस तरह से है, 1 अप्रैल 2017 को 1,00,000 रुपए मतलब डाउन पेमेंट, और फिर 31 मार्च 2018 उसी वर्ष के एंड में जो इंस्टॉलमेंट है वो 80,000 रुपए का, और फिर 31 मार्च 2019 को फिर दूसरे वर्ष के अंत में जो किस्त है वो है 80,000 का, और फिर जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है 31 मार्च 2020 को वो है 82,478। और इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, ब्याज का दर जो है 5% प्रतिवर्ष है। ह्रास डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, लेकिन यहाँ पे डेप्रिसिएशन का तो कुछ करना है नहीं क्योंकि हायर वेंडर के बुक में बनाना है। डेप्रिसिएशन का काम डेप्रिसिएशन का लेजर हायर परचेजर बनाता है, हायर वेंडर को इससे बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं पहले इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। फर्स्ट ईयर 3,20,000 जिसमें से डाउन पेमेंट किए गए 1,00,000, तो 2,20,000 पे 3,20,000 में 1,00,000 निकल गया, तो 2,20,000 रुपए 5% 11,000 रुपए इंटरेस्ट। तो यहाँ पे डाउन पेमेंट 1,00,000 शुरू में किया गया, और फिर जो 80,000 का जो इंस्टॉलमेंट उस वर्ष के एंड में दिया गया है उसमें 11,000 रुपए इंटरेस्ट के, तो इंटरेस्ट निकालकर 80,000 में 11,000 इंटरेस्ट के निकल गया, तो 69,000 ये यहाँ से डिडक्ट होगा, तो 1,51,000 दूसरे वर्ष के अंत में 1,51,000 का 5% 7,550 रुपया ब्याज। तो दूसरे वर्ष के अंत में जो इंस्टॉलमेंट है उसमें 7,550 रुपया ब्याज के ये घट गए, तो इस बार जो कैश प्राइस जो ट्रक के लिए दिया गया वो 72,450 ये घटेगा यहां से घटने के बाद 78,550, और लास्ट इंस्टॉलमेंट है 82,478 का। तो लास्ट में जब इंटरेस्ट इंक्लूडेड है इंस्टॉलमेंट में तो लास्ट वाले में इस तरह से हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो लास्ट वाले इंस्टॉलमेंट से जो कैश प्राइस का बैलेंस बच रहा है उसे डिडक्ट करते हैं तो मेरा इंटरेस्ट निकल जाता है 3,928 रुपया। तो इस तरह से 3,928 रुपया 82,478 में है इंस्टॉलमेंट में, इस इंस्टॉलमेंट में उसे अगर डिडक्ट करते हैं तो 78,550 ये पेमेंट हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं जो सारे नेसेसरी अकाउंट्स हायर वेंडर बनाता है उसे, हायर वेंडर को एक तो हायर परचेजर का अकाउंट बनाना है, दूसरा इंटरेस्ट का, और तीसरा हायर सेल्स का। ये तीन नेसेसरी अकाउंट्स हैं जो कि हायर वेंडर को बनाने होते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि हायर परचेजर का अकाउंट वो किस प्रकार बनाता है। तो हायर परचेजर यहाँ पे राज ट्रांसपोर्ट है, राज ट्रांसपोर्ट को ये शुरू में जो बेचा गया है अप्रैल 1, 2017 को, ये टू हायर सेल्स हायर परचेज सिस्टम के बेसिस पे जो बेचा गया है, तो टू हायर सेल्स 3,20,000 रुपए के माल बेचे गए, और तुरंत भुगतान जो डाउन पेमेंट मिला है वो मिला है बाय कैश 1,00,000 रुपया उसी 1 अप्रैल 2017 को। तो वर्ष के शुरू में 1 अप्रैल 2017 को बेचा गया 3,20,000 का, और उसी समय जो सुपुर्दगी के समय भुगतान है 1,00,000 रुपया मिला, और फिर जब पूरा वर्ष गुजरा तो उस साल के अंत में इंटरेस्ट बने 11,000 रुपया, और ये इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 2018 को इंटरेस्ट 11,000 रुपया उस वर्ष के एंड में, और वो इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 2018 को ले लेता है तो बाय कैश ये ले लिया गया। अब क्या है कि 3,20,000 प्लस 11,000 3,31 में डाउन पेमेंट निकल गया और जो इंस्टॉलमेंट लिया वो निकल गया, तो उस वर्ष के पहले वर्ष के अंत में जो बैलेंस बचकर निकलता है हायर परचेजर का वो निकलता है 1,51,000 रुपया। अब ये 1,51 बाय बैलेंस सीडी ये कैरी ओवर हुआ अगले वर्ष अप्रैल 2018 में, तो टू बैलेंस बीडी 1,51,000, और फिर उस साल के अंत में ब्याज बना मार्च 31, 2019 को 7,550 रुपए, और इंस्टॉलमेंट ले लिए गए उस वर्ष के एंड में सेकेंड ईयर के एंड में बाय कैश 80,000। अब जो सेकेंड ईयर के अंत में जो बैलेंस निकल कर आ रहा है वो बच रहा है
78,550। अब इसे फिर कैरी ओवर किया गया तीसरे वर्ष में और तीसरे वर्ष के अंत में ब्याज बना 3,928 2020 मार्च 31 को। और ये उस डेट को किस्त का रकम ले लिया गया बाय कैश 82,478। ये था हायर परचेजर का खाता। अब दूसरा इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट पहले वर्ष के अंत में ड्यू हुआ बाय राज ट्रांसपोर्ट 11,000, मतलब पहले वर्ष के अंत में जो ब्याज की राशि है 11,000 बाय राज ट्रांसपोर्ट, और उसे ट्रांसफर किया गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो वह मार्च 31 को ही उसी डेट को तो टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल 11,000। और फिर सेकेंड ईयर राज ट्रांसपोर्ट पे इंटरेस्ट ड्यू हुआ 7,550 और उसे ट्रांसफर किया गया स्टेटमेंट ऑफ पीएल में 7,550। और तीसरे वर्ष जो ब्याज बनता है वो बन रहा है 3,928 रुपए का और उसे स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ट्रांसफर कर दिया गया 3,928। मतलब हर वर्ष के ब्याज की राशि को उसी वर्ष प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। हायर परचेजर के लिए इंटरेस्ट खर्च है, जबकि हायर वेंडर के लिए वो इंटरेस्ट का रकम जो है कि वो आमदनी है। तो ये हो गया इंटरेस्ट का अकाउंट और हायर सेल्स का अकाउंट। तो बेचा गया माल 1 अप्रैल 2017 को, तो बाय राज ट्रांसपोर्ट 3,20,000 और फिर उसे उस वर्ष के अंत में 31 मार्च 2018 को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो टू ट्रेडिंग अकाउंट 3,20,000, ये नील, ये पूरा हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हायर वेंडर अपने यहाँ जो नेसेसरी अकाउंट बनाता है उसमें वो एक हायर परचेजर का खाता बनाता है, दूसरा ड्रेस का खाता बनाता है और तीसरा हायर सेल्स का खाता बनाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो इन्हें जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें तथा मेरे बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच।